पहले जो गंगा थी एकदम सफेद लाइट का, अब जो ना देखिए हरा हरा है। पहले गंगा सफेद पानी था कि पानी के अंदर पैसा फेंक दीजिए दिखाता रहा। गंदा तो हो ही गया सर, गंदा अब हम लोग उतना पीते नहीं, हाली नहाना है, अब नहीं पीते हैं। Come here, this is my bathroom and this is my toilet. We put the water in this and this water is going my river from this pipeline. And this water going to in the river. Welcome in this museum. And one more very exciting thing is this sofa toilet used in Victorian clubs in England. The food with their friends, playing chess cards and gossiping, they were defecating and they had a person to attend them, standing next to them, putting perfume. This museum is Dr. Patak's pet project. For many years, he has promoted toilets. That may seem a peculiar obsession, but according to the World Health Organization, one third of the world's population has no access to proper toilet facilities, and almost 2 billion people take their drinking water from sources contaminated with fecal matter. 120 million houses have no toilets in the rural areas. People have mobile phones, but not toilet. So like Sulabh, we want missionaries should be in the villages to build their toilets and also to see that they function very well. जब ज्यादा ये कहती है मम्मा जल्दी तो फिर गली में बैठा देती, नहीं तो गंदी होती है फिर उठा के फेंक के आते हैं उसे। यही प्लेस है हमारा, हाँ सब यहाँ से स्टार्ट हमारी लैट्रिन वहां तक है। छूट रहे हैं बहुत सी लैट्रिन में तो सर, सुबह अंधेरा हो रहता उस टाइम आ जाता। नमस्ते। और ऐसे हाथ उठा के बताइए कि इनके यहाँ शौचालय नहीं है। सो दे ऑल हैव नो हैविंग टॉयलेट्स इन देयर हाउसेस। सो हाथ एक बार जरा सा खड़ा कर लीजिएगा। हाँ, तो इसलिए जो है सरकार इस बार जो है एक प्रोग्राम बनाई है कि हर घर में शौचालय 2019 तक बन जाना चाहिए, हर घर में। और उसी प्रोग्राम के तहत जो है हम लोग इस गांव को भी हम लोगों ने चयन किया है
तो यहाँ भी, लेकिन उसके कहीं भी शौचालय बनने से पहले ये उनको मालूम होना चाहिए कि शौचालय बनने से क्या क्या उसके फायदे हैं, और अगर नहीं है तो हम आज तक क्या नुकसान हमारा हो रहा था, दिन हो गया, अब कैसे बाहर जाएंगे, बाहर जाने में दिक्कत होती होगी, तो फिर दिन भर कैसे मतलब आप लोग सहन करते हैं, फिर शाम में अंधेरा होगा तब टॉयलेट जाएंगे और इस तरह से, तो क्या क्या आप भी तो इसी गांव से? सब यहाँ खेत में जाते हैं करने के लिए, सब लोग खेत में जाते हैं, और फिर जेंट्स भी जाते हैं, लेडीज भी, फिर लेडीज को अधपरे में खड़ा होना पड़ता है, क्यों जेंट्स आ जाते हैं तो फिर खड़े होना पड़ता है। अच्छा, एग्जैक्टली सर, मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे महिला गए जाती हैं और वो फुल टाइम मतलब प्रेग्नेंट हैं और उनकी इमीडिएट डिलीवरी होने वाली, जैसे वो खेत में सोच के लिए जाती हैं, इस तरह के केसेस हुए हैं कि वो टॉयलेट के लिए गई, वहीं पे बच्चा हो गया है और वहीं पे बड़ी मुश्किल से उसको संभाल के घर पे लेके आए, डेथ भी होगी कहीं तो, एक और लेडीज थी उसको डेथ भी हो गई, हां डेथ भी हो गई थी, जवान थी, बस दो ही बेटी थी उसके, छोटी इनकी बहू थी, जो सोच के लिए जब घर से बाहर गई है, तो सोच के लिए जब घर से बाहर गई तो काफी दूर जाना पड़ता है सोच के लिए, क्योंकि आसपास में घर है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर उनको स्नेक्स ने उनको डस लिया था। अच्छा, सांप काट लिया है ना बारिशों के टाइम, अगर शौचालय होता तो ऐसा नहीं होता, जान उनके बच सकता। आके लेट गई, फिर पता ना उस सर्प ने खाली कहीं कीड़ा ने खाली लीली होगी एकदम, जिगे जिगे खड्डा से खून सा नहीं होगा वा। तो फिर हमने वो बुलाया गाड़ू मतलब जो खून चूसे, तो वहाँ कही सर्प ने खाली। अच्छा, जो बाहर ना जाए, इसलिए तो मैंने सारा काम फैलाया, शौचालय जरूरी है। और जैसे आपकी एक बहन भी है जिनकी आप शादी करेंगे ही, एक महीना, तो आप पहले ध्यान में रखते हैं, आप पहले ध्यान में रखा है कि जहाँ हम शादी बहन की करेंगे उसके घर में शौचालय होना चाहिए? हाँ, पहले कह दी थी मैंने वहाँ, तो आप देख रहे हैं? हाँ, पूछते हैं जाकर, भाई शौचालय बनवा दे, मकान बना ले, मन चलो बढ़िया है। आप तो सब चीज देखे हैं, पहले तो कोई ना देखे, अब नू तो हमने एक लड़की मतलब शादी करेंगे, काम पड़ गो, नीट सेक्स और खुजली इतनी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, देखो इसका, इसका देखो, और देखिए पूरे अंग में, पूरे शरीर में वाटर प्रॉब्लम, देख ऐसा रहा था, एक गंद पानी की प्रॉब्लम हुई, बड़ी हो रहा है ना, उसमें देख रहे हैं वहां पे यही हाल चल रहा है, बहुत जाय ना रहे पड़ा, तो गंदा पानी गांव में ही वो टॉयलेट है, जब बरसात का मौसम आता है उसी एरिया में ये लोग डेफिकेट करते हैं ओपनली, तो वहां से पानी बाकी उसी तालाब में वही डेफिकेशन वाला पानी घुल के वो जमा हो जाता है, और उसी This place is started by Lord Shiva. Mother Sati was burned here more than 3,500 years ago, and same fire keep going on non-stop. We don't burn holy men, sadhu, children, animals, leprosy, pregnant lady, cobra bite. So all this body we take a heavy stone and tie body with a rope, take one boat, go to middle Ganga and sink without burning.
ये बहुत सा घाट है, कम से कम 380 घाट है, 80 से लेकर राजघाट। अपना जीवन यही है, अपना जीवन यही है। बचपन से कोई काम नहीं किया, यही बाप माता ही सिखाया, पढ़ाए नहीं, यही काम कर रहे। गंगा हैज इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बिसाइड्स बैक्टीरियो फाजेस, देयर आर सम बैक्टीरिया आल्सो, दे किल अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। एंड थर्डली, गंगा वाटर हैज वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, से अराउंड 12 टू 14 मिलीग्राम पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन विच इज नॉर्मली डजंट अकर इन अदर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। That is why you will find that because of these rocks and minerals, Ganga water become medicinal. It is believed in India that if you have any skin disease and if you take water, if you take bath into the Ganga, then you will be cured. You will not find original quality of water. You will not find the water which can be said that this is Mother Ganga. These medicinal properties has been lost from the Ganga water. इसलिए इतना आबादी हो गया है, इतना आबादी हो गया है कि हर आदमी आता है पोल्थिंग में कूड़ा फेंक फेंक देता है, कूड़ा के साथ। जैसे जानवर में गैया मर गया, भैंस मर गया, तो उसको भी पत्थर में बांध के अंदर कर देता है। That's be the bodies cannot make any big difference, you know, because this since long traditional doing this. Things plastic or something dirtiness or something synthetic things or chemical things, they throw it in Ganga. One day that happens, Mother Ganga will be lost. And when we lost the Mother Ganga, it means we lost the universe. In Kanpur, river Ganga is being polluted by leather factories. There are 400 tanneries right on the bank of river Ganga. The wastewater is highly chemicalized and hazardous, is going to the river without any treatment. This water contains a variety of chemicals, dyes, acids, sulfides, chlorides, preservatives, and the most important basic chrome sulfate, and it's fatal to the life. And chromium is a known carcinogen and it causes cancer. This water is used for irrigating 2500 hectares of land, but this water is not safe for irrigation. And this water has impacted the local environment, the soil, and also the groundwater. Ideally, no crop should be grown here because the crop is also contaminated. Nothing should be grown which is for human consumption or even for animal consumption. The international market know that
these industries are polluting. They simply ignore it or they close their eyes to the problems. They want good quality leather at the low cost. यही खेती बाड़ी का काम करते थे गुलाब है गेहूं है धान है धीरे धीरे सारे उसके पेड़ों की जड़ें कमज़ोर होती गईं सड़ने लगी नीचे नीचे इसी वजह से पेड़ पौधे सूखने लगे पैदावार भी कम हो गई अब गुलाब वुलाब की खेती ख़त्म हो चुकी है सब पानी दूषित होने की वजह से मेरे तो करीब 4-5 साल से पेट में दिक्कत थी पेट की वजह से गले में छाले कांट वो पड़ गए गांठें वगैरह जानने क्या बात पानी इतना दूषित हो चुका है यहाँ का कि सारे लोग ही बीमार पड़े रहते हैं डॉक्टरों को दिखाया डॉक्टरों ने बताया कि आपके इधर का पानी नहीं बिल्कुल अच्छा है पानी की वजह से सारी व्यवस्थाएं हो रही ख़राब उसने कहा कि पानी आने में खेत में करते रहें दूसरे काम हम जैसे हम करते हैं उसे वही करते रहें और पानी लगाते रहें एक साल लौकी लगाई गई तो उनके दाना पड़े लग छाला सही वही पड़ते पड़ते पहले छाला जले सही पड़ते थे उसके अंदर फिर वो मांस जल जाता गल जाता रहा फिर दवाई अवाई करेंगे कई जगह डॉक्टर का दिखावेगा डॉक्टर कुछ बताए नहीं कई जगह दवाई वहाँ से फिर दवाई लाए वहाँ से कुछ फ़ायदा किए ऐसे अभी एक 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 पोरे चले गए पूरे नाखून एकदम है फिर तो भैया हमारी तो वैसे भी गुजर रही है आप तो खुद देख रहे हो कि हम एक हाथ से कोई इंसान काम नहीं कर सकता है जो करेगी तो वही हमारी वाइफ करेगी बाकी हम तो कुछ करने के लायक के हैं नहीं कि कहीं हम मजदूरी कर लें या कुछ कर मजदूरी भी अगर कहीं करने जाएंगे तो वो भी मजदूरी वाला भी आदमी देखेगा कि मजदूरी नहीं कर सकता तो वो भी हमको निकाल के बाहर कर देगा हम जा नहीं पाते क्योंकि हमारा ये एक हाथ खराब है एक हाथ से हम कुछ कर नहीं पाते वही कमा के लाती वही बच्चों पालती है हम तो कभी गए कभी नहीं गए क्योंकि एक हाथ से आदमी कोई काम नहीं कर पाता ये हमारी स्थिति गुजर रही है के बीज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और एशिया की जितनी भी चावल मिल है उसमें सबसे बड़ी ये प्लांट है चावल का यहाँ ये लोग क्या करते हैं जो अब तक इनकी शिकायतें आती रही हैं कि जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो वाटर यहाँ निकलता है उसे ये बाहर निकलने की कोई इनके पास ट्रीटमेंट नहीं है कि उसे नाली के साथ बहा दिया जाए बाहर तो ये क्या करते हैं नीचे बोरवेल करके उस पानी को नीचे छोड़ देते हैं उस पानी को नीचे छोड़ने से क्या होता है आसपास के जितने भी गांव हैं आसपास के 20-25 गांव जो है जो इस परिधि में लगभग आते हैं तो उनका जो वाटर लेवल है तो जो पानी होता है नीचे वो सारा पॉल्यूटेड दूषित हो गया लोग जब सर्च करते हुए इस घर में पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर पानी की वजह से जो है वो लोग बहुत ही बीमार हैं और उनकी वजह से कैंसर के पीड़ित मरीज यहाँ मिले फिर हमने नेक्स्ट घर सर्च किया तो हमें इस घर में पता चला कि यहाँ भी इस घर में भी 2-3 लोग जो है वो बीमार में मिले उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए अपनी खोज को लेकर तो हमें पता चला कि हर घर जो है यहाँ पर हर एक दूसरे घर में कुछ लोग हमें यहाँ मिल रहे हैं और सारे लोग जो है वो सिर्फ पानी की ही समस्या को बता रहे हैं कि पानी से ही ये सारे इफेक्ट जो है वो पानी के ही है हम यहाँ भी मिले हर जगह मिले जहाँ मिल रहे हैं वहाँ सिर्फ पानी की ही बातें लोग बता रहे हैं हर ये जो जितने भी यहाँ ज़मीन में जो भी पानी जो निकाल रहे हैं वो पानी यहाँ का सही नहीं है जिसकी वजह से बीमारियों का बहुत ज़्यादा ही प्रजनन यहाँ पर हो रहा है जीरो
यहाँ का 701 TDS बता रहा है, जो नॉर्मल पानी के स्तर से करीबन 5 गुना है। इस पानी को पीने से आदमी बहुत जल्दी मर जाएगा। पानी सूजी में यही हुई कि उसके जो एक गौट सी बन गई, वो गौट सी बनने के बाद में इतने से इतनी फैल गई, इतना हिस्सा सगला ही बेकार हो चुका हो। आज का मौसम भी नहीं रहा, जो भीतर की हड्डी नस है ये सारी दिखने लगी बाहर को। तो हमने इलाज भी करवाया तो नहीं हो पाया, अब गरीब आदमी तो कौन से इलाज करवाते। और अभी 1 महीना 7 दिन हो गए हमने खत्म। भैया आप एक देखिए, आप एक बाप हैं, फादर हैं, बाप हैं, आपको नहीं लगता कि आप एक घर में एक बच्चा मतलब एक आपके भाई मर गए इस पानी को पीने से, तो आप एक तरह से अपने बच्चे को दे रहे हैं, जहर पिला रहे हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगा तो है, जब मजबूरी में बताओ क्या करना, ये तो करनी पड़ेगा, पिलानी पड़ेगा। There's plenty of water in India's former colonial capital, but barely a drop of it can serve any useful purpose. Nearly all the groundwater is contaminated by naturally occurring arsenic, and large-scale dumping of industrial waste from all over the country has rendered the waters of the River Ganges unusable. Most of the poor meet all their water needs by going to local street pumps, a source that's considered relatively safe. पानी वही अच्छा, वही पानी जो अच्छा है, अच्छा बुरा सब वही है, जो भी निकले वही खाए पीना पड़ेगा। Throughout Calcutta though, more and more water sources are becoming unsafe. Special water tankers deliver clean water around a town that's covered by an extensive network of lakes and canals. All this might be understandable in a desert, but not in a city with the highest numbers of water sources in India. Take water from the tank if they have these pipes, this canal and so on. क्यों टैंकर का पानी क्यों लेते हैं? बगल का अच्छा पानी नहीं, पानी अच्छा नहीं है, काला है पानी, अभी चापने से काला ही निकलेगा पानी। उधर बचा ये पिछला है। So what's wrong with this water? पानी महकता है। Smelling. काली है। Can you smell it? काली है, गंदा, महकता है। No, no, आप इस पानी को पीता भी है क्या? नहीं। आप इस पानी से नहाने का यूज करती हैं? अभी नहीं नहाते, पहले नहाते थे, अब नहीं नहाते। एकदम पानी काला है, महकता है, इसलिए नहीं नहाते। She washing her clothes with this water. अभी नहीं धोते, पहले धोते थे, मगर ये बना के गया तो अच्छा नहीं कर रहा। आप इस पानी का कहीं कुछ यूज करती हैं? गमकता है, बर्तन गमकने लगा। क्या होता है? Yes, मारता, बदबू मारता तो क्या करूं। Northern Asia, the Middle East, most of Africa, Northeast Mexico, the Western States of America, Argentina, Chile, and most of continental Australia suffer from a lack of fresh water. And pollution is the major cause.